बंदी मातरम। 2 सेकेंड हेडेक ऑयल का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर बिश्रू चौधरी जी के माध्यम से जो कि लॉन्च हुआ किया गया था। तो 2 सेकेंड हेडेक ऑयल बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं शुद्ध सरसों तेल लेने के लिए। सरसों के तेल में ही बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के तैयार किया जाता है, और शुद्धता का पूरा ध्यान रखने के लिए हम अपने आँखों के सामने गोविंद भैया और मैं दोनों जन अपने आँखों के सामने जो है शुद्ध सरसों का तेल सरसों को तेल निकलवा रहे हैं, और इसी के माध्यम से जो है हेडेक ऑयल हमारा तैयार होगा। ये देखिए सरसों है, और ये देखिए यहाँ पे तेल निकल रहा है धीरे 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 बूंद बूंद करके टपक रहा है। इसी के माध्यम से जो है शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हुए जो है हम लोग हेडेक ऑयल अपना जो है तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे जो बीमारियां हैं वो जल्दी से दूर हो सके। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद। खली भी एक बार डालिएगा। हाँ, और उसके बाद ये पहले खली बनेगी। हाँ, उसके बाद फिर जाके तेल बनेगा। अच्छा। हाँ, या फिर छोटी मशीन है इसलिए? नहीं नहीं, कोई भी मशीन होगी। अच्छा। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा निकलता भी रहेगा तेल अभी थोड़ी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बार में तेल ज़्यादा निकलता है, मतलब पहली बार। हाँ, जैसे अभी अब दिखाई देना शुरू किया है। जब पापा भी आए हुए हैं ना, पापा जाएंगे तो उनको भी दे दूंगा। पहले मैं लेके आता था पटेल नगर से। अच्छा अच्छा, मुल्तान से। अच्छा। अब जाए पास में हो गया, कौन जाए पटेल नगर। पानी क्यों डालना पड़ता है? अगर ये पानी नहीं डाल देंगे तो इसमें तेल भी निकलेगा इसमें। अच्छा। हाँ, पानी इसमें रहता है तो इसमें चिकन हेड ज़्यादा होती है तो वहीं पे स्लिप मार जाएगी। पानी क्यों इसलिए डाला जाता है? थोड़ा बहुत पानी डाला। थोड़ा मतलब 10 किलो में दो गिलास पानी।
अभी कितनी देर बाद आप खोलोगे इसको? अच्छा, इसकी भी कोई टाइमिंग होता है खोलने? अच्छा, थोड़ा ये पानी को मिल जाएगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, सही चल रहा है यहाँ पे? हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, क्योंकि एक तो चलती सड़क है ना, मतलब दिन भर रात भर लोगों का आना जाना। अच्छा, आप 10 बजे तक रहते हैं? सुबह कितने बजे खोलते हैं? ऐसे तो 8:30 बजे खुल जाते हैं, 8:30-9 बजे का टाइमिंग रहता है। इसके अंदर भी कुछ लगा हुआ है इसको हिलाने वाला? हाँ, इसके अंदर एक रोलर है, ये रोल चक्कर लगा हुआ है दो। अच्छा, उसको घुमाता है प्लास्टिक का? लोहे का, प्लास्टिक का तो इसमें काम करता है। अच्छा, अच्छा बोलो उसको कर दो। आखिरी बार डल रही है ना? हाँ, डेढ़ महीना हुआ है। डेढ़ महीना तो नॉलेज थोड़ा दी है। अच्छा, मैं तो यूट्यूब देख के यूट्यूब पे तो कोई सारा कोई कंपनी नहीं बताता पूरे बातें, तो वो फिर अपना ही दिमाग लगाया फिर कि कैसे खल बनेगी, कैसे क्या हुआ। पहले कम चूड़ी करी, फिर कम करी, फिर देखा कि हाँ भाई, ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने तो इसको बिल्कुल वो कर दिया था, तेल ही नहीं आया थोड़ी में। अच्छा, हाँ, अरे ये क्या हुआ। फिर एक मित्र था, उससे फिर पहुँच गया मैंने बिहार का, वो आया, उससे मैंने बात करी, कैमोर करके है, उनकी भी वीडियो डली हुई है इसमें। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इसको इतनी करो, चूड़ी का ध्यान रखना होता है, चूड़ी का और पानी डालने का। पानी का तो उन्होंने दे रखा है। अच्छा, वो दे रखा। जो निकला वो तेल कहाँ पे है? ये अभी 30 किलो में ये निकला है, बाकी ये निकलेगा। लगभग कितने लीटर निकल जाएगा? 11-12 लीटर। वंदे मातरम धीरज भाई, बरसों बाद आपको तेल, शुद्ध तेल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे भारत भर में बहुत सी गांव में ही शुद्ध तेल मिलता है, पर मुझे लगा कि मतलब ऐसा महसूस लगा नहीं था कि दिल्ली में भी मिल जाएगा, पर नवादा स्टेशन से उतरने के बाद, 2 नंबर गेट से उतरने के बाद में ही यहाँ पे जो है अशोक भाई मित्तल है, इनका छोटा सा एक सरसों का जो है मिल है,
जहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल, मैं करीब 2 घंटे यहाँ से बैठा हूँ, 2 घंटे में मेरी आँखें जो है नमी हो गई है, और बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमें शुद्ध चीजें यहाँ पे मिल रही है, शुद्ध सरसों का तेल, मतलब सच कड़वा होता है इसीलिए शुद्ध है, आपकी आंखों में झलक रहा है। जी 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 जी, शुद्ध बहुत अच्छी है, मतलब कितनी सारी बीमारियां जो है इससे दूर हो सकती है। अब इस तेल को तो ऐसे सर पे लगाए तो सर दर्द दूर हो जाए। जी जी, सर दर्द तो दूर होएगा, बॉडी में मालिश करिए, खाना बनाइए, हार्ट के ब्लॉकेज नहीं होएगा, आर्थराइटिस की दिक्कत नहीं होएगी, गठिया रोग जो होता है वो नहीं होएगा। तो वंदे मातरम, ये मेरा बेटा है आयुष, इसे भी लेकर आया हूँ कि किस तरीके से शुद्ध तेल कहाँ निकलता है, तेल का प्रोसेस कैसे है, किस तरीके से अपने ये वर्तमान में और भविष्य में अपने और अपने बच्चों को शुद्ध चीज़ें देगा, उसकी जानकारी, क्योंकि हमने तो देखी थी अपने बचपन में गांव में ले जाके तेल निकलवाते थे, तो आज मैं इसे भी ये तेल निकलते हुए प्रोसेस को दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, ताकि व्यवहारिकता का ज्ञान हो। तो ये इसे हमने बताया और अभी ये कह रहा है कि आँखों में बहुत लग रहा है, तो मैंने कहा ये शुद्ध है इसलिए वो लग रहा है। तो आप भी अपने जीवन में अपने बच्चों को शुद्ध चीज़ों को कैसे प्राप्त होता है वो ज़रूर बताएं, दिखाएं, सिखाएं, पहचानने की प्रयास कराएं, तो अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो सिर्फ वो डब्बे, सुंदर सुंदर डब्बे पैकिंग के भरोसे ही उसको शुद्ध मानेंगे, असलियत में शुद्ध क्या होता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, और कितनी मेहनत से कोई चीज़ तैयार होती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी कद्र बच्चे करें, आने वाली पीढ़ियों को शुद्धता की पहचान हो, वो बनी रहे, व्यवसायी किस्म के लोगों के हाथ में ना चला जाए, कि सुंदर सुंदर पैकिंग, सुंदर सुंदर स्टिकर, सुंदर सुंदर दिखावे के रूप में और सुंदर सुंदर मॉडलों से बुलाए कि ये शुद्ध है। असली शुद्ध तो वही है जो आंखों के सामने है। अब इसकी आंखों में आंसू आ गया, तो दिखाओ पर कैसा लग रहा है? आंखों में जलन दे रहा है। आंखों में जलन दे रहा है, इससे आंखें साफ होगी। अभी भाई साहब हैं, अब 3 घंटे सीधे कर रहे हैं, इनकी भी आंखें एकदम, भाई साहब आप देख रहे हैं कि ये शुद्धता की असली पहचान, ये कोई आंखों में जो आंसू आ रही है, झांस आ रहे हो, किसी केमिकल की वजह से नहीं आ रहा है, प्रकृति का जो असलियत का केमिकल है, असली का जो सुगंध है, असली का जो गंध है, इस गंध को, इस सुगंध को, इस तेज को बनाने के लिए आज हमारे वैज्ञानिक इस कदर और विज्ञान इस कदर पागल हो रखी है कि सरसों की तेज गंध बनाने को तैयार है केमिकल से, और वो उसकी कुछ बूंदे मिला के डब्बे में पैक करके हमें दे दिया जाता है, और वो कहता है जी ये देखो कितना शुद्ध है। खैर, आप सभी से विनती है कि आप अपने बच्चों को शुद्ध चीज़ें दें, यथासंभव शुद्ध खिलाएं, अगर शुद्ध खिलाएंगे तो दवाओं का सेवन जीवन में नहीं होगा, जिस तरीके से हमारी दादी नानी के जीवन में दवाएं उनके जीवन से कोसों दूर थी। आप देख रहे हैं प्रोसेस पे प्रोसेस हुए जा रहा है, भाई साहब भी ईमानदारी पूरी बरत रहे हैं, अगर कोई दूसरा होता तो कह देता जी आपका ये तिल निकल गया अब आप लेके जाएं, लेकिन भाई साहब पूरी तरह से ईमानदारी बरत रहे हैं कि खल को बार बार डाल रहे हैं, आखिरी आखिरी बूंद तक हमें निकाल कर देंगे, ये इनकी भी इंसानियत और ईमानदारी है, नहीं तो कोई दूसरा होता तो उसकी जो भी चूड़ी वगैरह होती है, दाब वगैरह को कम बेसी करके आगे जल्दी करके, हम पिछले 3:30 बजे से हैं 30 किलो सरसों से तेल निकालने के प्रयास में लगे हुए एक छोटी सी मशीन से, कि शुद्ध है और हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं और निकाल के लेके जा रहे हैं, तो इसमें हमें पूरा भरोसा है कि ये शुद्ध है। इसमें अब कोई जितना मर्जी लैब टेस्ट करा के लैब भी कह देना कि ये अशुद्ध है तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने की चीज़ है, राई मेरे आंखों की सामने, मशीन मेरे सामने, पेराई मेरे सामने, अब लैब कौन होता है उसको नकली कहने वाला, अगर नकली कहने का सर्टिफिकेट दे भी देता है
अगर लैब नकली कह भी देता है तो वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे भरोसा है, किसी दूसरे के सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं है। तो आप भी अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करें, आटा, आटे की चक्की, आटा खुद अपना पिसवाने जाएं, पिसवा कर लेकर आएं, किसी के भरोसे ना रहें, तेल भी अपने भरोसे से लेके आएं। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में रोज़ हमारे शरीर में जाता है, और अगर यही अशुद्ध रहेगा तो हमारा शरीर और ज़्यादा अस्वस्थ रहेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।